हेलो गाइस, विधि फैशन में आपका स्वागत है। आज हम सलवार की मोहरी का बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, हमने सलवार का पोंचा लिया है और इसमें लहर बनानी है। और अब हम इसमें निशान लगाएंगे। ये निशान 4.5 इंच तक होंगे। सारे निशान 4.5 इंच तक के लगाएंगे। और अब हम ऊपर भी इसी तरह निशान लगाएंगे। ये देखिए, हमारे पोंछे की चौड़ाई 2 इंच है और इसके बीचों बीच 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हमारे सारे निशान 1-1 इंच पर होने चाहिए। अब हम इन निशानों को मिलाते हुए गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। अब हम ऊपर भी इसी तरह गोलाई में सिलाई लगाएंगे। ये हमने अपनी सिलाई लगा ली है। अब हम 1 पंजे की दूरी पर इस सिलाई के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अब हम ऊपर भी 1 पंजे की दूरी पर इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। और अब हम इसमें फूल पत्ती बना लेंगे। और हम इसमें 4 पत्तियां बना लेंगे। हमारी सारी पत्तियों का साइज एक जैसा होना चाहिए ताकि हमारा डिजाइन ब्यूटीफुल बने। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, हमने अपनी सारी पत्तियाँ बना ली हैं। ये देखिए, हमारी पत्तियाँ कितनी सुंदर बनी हैं। और हम नीचे वाले बॉक्स में खजूर की पत्तियों की तरह एक पत्ती बनाएंगे। और हम सभी बॉक्सों में सेम टू सेम पत्तियाँ बनाएंगे। और अब हम ऊपर वाले हिस्से में भी इसी तरह पत्ती बना लेंगे। ये देखिए, हमने अपनी सारी पत्तियाँ बना ली हैं। ये देखिए, हमारा डिज़ाइन कितना सुंदर बना है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। ये हम अपनी लेस को दोनों सिलाइयों के बीचों बीच लगाएंगे। ताकि हमारी लैस एक सेंटर में रहे। ये और अब हम ऊपर वाले हिस्से में भी इसी तरह लैस लगा लेंगे। ये देखिए, हमने अपनी लैस लगा ली है। और अब हम ऊपर वाली लहर के बिल्कुल साथ साथ सीधी लैस लगाएंगे। और अब हम नीचे वाले हिस्से में बिल्कुल किनारे के साथ साथ लैस लगाएंगे।
ये देखिए हमारी लेस कितनी खूबसूरत लगी है। और अब हम इसमें बटन और मोती लगाएंगे। और अब हमने इसमें बटन और मोती लगा लिए हैं। देखिए हमारी मोहरी कितनी सुंदर बनी है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।